तिनसुकिया हिजोबड़ी अंचल में भयावह अग्निकांड। एसिस फर्नीचर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। आज दोपहर बाद दिन के करीब 2 बजे तिनसुकिया हिजोबड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत न्यू तिनसुकिया रेल स्टेशन के विपरीत दिशा स्थित गली में एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भयानक आग में पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई। आग संदीप कुमार अग्रवाल KSS फर्नीचर में लगी थी। आग कैसे लगी किसी को नहीं मालूम, पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। संदीप अग्रवाल के अनुसार लाखों की संपत्ति देखते ही देखते जल गई। अग्निनिर्वाहक दल के 3 वाहनों द्वारा बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। संदेह किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। अरे रोक ना रे, माथा में पानी मारा हुआ मैं, ये जलेगा, तीन हटा हुआ है। उसके बाद में आया, तुरंत देखा उनको पूरा भड़क गया। तो शॉर्ट सर्किट हुआ, आदमी लोग से पूछा कैसे हुआ, मालूम निकालने में सब व्यस्त थे, कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तार जला था, तार जलने से पूरा भड़क गया, बांस का बेड़ा का सेट था पूरा। आपका कितना रुपये का लॉस हुआ है? सामान तो मोटा मोटी मेरा 7-8 लाख रुपये का नुकसान कम से कम हुआ। और किसी इंसान को कुछ चोट लगा है? कुछ नहीं लगा सर। और आपका जगह का नाम और आपका कंपनी का नाम क्या है? मेरा फर्म का नाम SS फर्नीचर है, मेरा नाम संदीप कुमार अग्रवाल। ये आप लोगों का जगह एड्रेस टू क्या? ये MB अग्रवाल रोड ना।